तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एंड अदर टेक वीडियो। तो जो मेरी गेमिंग वीडियोस देखते होंगे काफी देर से, तो उनको पता होगा कि मैं अपना ये वाला हेडफोन यूज कर रहा था। अब देखो, मैं इसको यूज करने में मैं कर सकता हूँ, लेकिन ना एक्चुअली इसके ये जो अब पता है ना, ये पर्दे वर्दे फट चुके, तो अगर इसको कान में ना कोई आधे घंटे से ज्यादा पहने रखूँ तो काफी दर्द करता है ये, मतलब मेरे कानों में ना दर्द होती है बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैंने कहा कि यार अब ये तो दो तीन साल हो चुके मुझे इस हेडफोन के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो अब मैं एक न्यू हेडफोन मंगवाऊंगा। और मैंने दराज से ऑर्डर कर लिया था और वो आ चुका है हमारे पास। ये है दराज से मैंने ये पैकेट मंगवाया हुआ है, तो फटाफट इस डब्बे को करते हैं अनबॉक्स। ओके, तो हमारी लेजेंडरी कैंची से हम इसको काटेंगे। ओके, आई होप सो अब निकल जाना चाहिए, इसको निकालते हैं, लेकिन ये अभी भी नहीं निकल रहा। क्या गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ से भी काटना पड़ेगा मुझे। आई यार, ये कार्डबोर्ड को काटना अस्तगफुरुल्लाह इतना मुश्किल है। ओ फाइनली, अब इसको ऐसे खोलेंगे और ऐसे खोलने के बाद ये डब्बा ऐसे खुल चुका है और डब्बे के अंदर एक और डब्बा, बहुत ही बढ़िया। अब ये हो गया बेकार, तो डब्बे के अंदर एक और डब्बा। बाय द वे, ये देख लो, ये चाइनीज है, ये चाइनीज का माल है। और ये हेडफोन है G60, मेरी प्राइस रेंज के अंदर अच्छा हेडफोन, तो सबसे अच्छा मुझे लगा था। G60 नाम है इसका। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। यार इन्होंने डब्बा नहीं भेजा यार, एहसान कर रहे हैं ये, देखो जरा। हो ओ माय गॉड, एक मिनट, और भी यार कुछ इसके अंदर, जैसे कि ये फालतू इंस्ट्रक्शंस आपको दिखा देता हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं चाइनीज तुम लोग नहीं पढ़ सकते यार। तो ये एकदम बेकार, हम इसको कभी पढ़ने नहीं वाले। अब मेन चीज, धुम धरे ओ। अभी शायद तुम्हें सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको पूरी तरह अनबॉक्स करता हूँ। गाइस, हमारे न्यू हेडफोन्स आ चुके हैं। मैंने ये ब्लैक रंग के मंगवाए क्योंकि हमारा पूरा पीसी जो है ना वो ब्लैक है, और मैंने इसे इसको ब्लैक मंगवाया। और बाय द वे, इसकी ये जो चीज है ना, ये चीज मैंने तुम्हारे से ये वाला मंगवाया, ये चीज जो है ना, ये मेरे इस हेडफोन के इस चीज से काफी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको बताऊं, ये मेरे दो हेडफोन्स हैं, मैंने दोनों पे ऐसा अंगूठा रखा, तो ये वाला जो मेरा हेडफोन है ना, ये काफी सॉफ्ट है और इसमें फोम लगा हुआ है। ये तो भाई अल्लाह जाने इन्होंने क्या डाला था, अस्तगफुरुल्लाह। ओके, इस पे हमें मिलती है अपनी प्यारी दो तारें 3.5 mm की, और इसको पूरा तारों से जरा अलग करते। और बाय द वे, इसकी तार में ना इन्होंने कुछ अलग ही डाला हुआ है, ये देखो आपको मैं दिखाता हूं। इसके लिए तार देखो जरा, ये जो इसका स्टफ है ना, ये ऐसा लग रहा है कपड़े का है, जो इसका स्टफ है वो तो जो बाकी तारे होती हैं वैसा स्टफ है, लेकिन इसका स्टफ बाय गॉड चेंज है थोड़ा सा। तो हेयर इट इज, तार काफी लंबी है, मैं इसमें बहुत खुश हूं। तो जैसा कि इसमें हमें तीन तार मिलती है, एक हमें इसकी RGB लाइट्स के लिए, एक मिलता है हमें ये माइक के लिए है, और जो दूसरे वाला वो ये हेडफोन के लिए है, ब्लैक है दोनों। तो ये रहा हमारा हेडफोन, ये रहा इसका माइक, ये पूरा ऐसे फ्लेक्सीबल माइक है। अगर मैं इसको पहन तो ओ भाई, मैं एक्चुअल में आपको बताऊं, मैंने ये हेडफोन पहना है ना, तो मुझे अपनी आवाज काफी अच्छी आ रही है। और इसको मैं दिल किया तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, या मैंने बोलना तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। गाइस, ये मैंने इसको पहना है ना अभी, तो मुझे अपनी आवाज वापस एको आ रही है, और काफी अच्छी आवाज आ रही है मुझे। ये देखो साइड में, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। और इसको मैंने पहना ना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल दर्द नहीं हुई। तो ये मुझे पड़ा है लगभग 2300, और ये डिस्काउंट पे था, 2300 का ये मुझे पड़ा है विद डिलीवरी चार्जेस। तो या ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ना एक बार इसकी RGB लाइट्स ऑन कर भी देता हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने पुराने हेडफोन का RGB लाइट दिखाऊं। तो आपने कभी RGB लाइट नहीं देखी, तो ये आपको पिंकिश दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये ब्लू है, ये पूरा ब्लू है, नहीं हो रहा मेरा, हाँ ये पूरा ब्लू है।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके, मैंने अभी भी, मैं आपको सब तो मैंने इसकी RGB लाइट्स नहीं देखी हुई इस वाले हेडफोन की, तो अभी मैं देखता हूँ। ओके गाइस, अब मैं आपको ये G90 की RGB लाइट दिखाता हूँ। तो इसकी RGB लाइट है, ये छोटी है लेकिन मैं आपको सच बताऊं इस वाले हेडफोन से लाख गुना अच्छी है, क्योंकि इसकी RGB लाइट जो है ना, एक तो वो देखो चेंज हो रही है RGB लाइट इसकी, ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल मेरे ये इस माउस की तरह इसकी भी RGB लाइट चेंज होती है, तो इसकी भी RGB लाइट चेंज हो रही है, तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात है। और लाइट तेज नहीं है इसकी, स्लो लाइट है इसकी, तो आंखों को तरह अच्छी लगती है। तो या अब मैं इसके बारे में कुछ बात कहूँ तो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज अभी के लगी ना फर्स्ट व्यू, जिसकी तार ये, इसका स्टफ दूसरा है, और इसकी फील, पहनने की फील, मेन चीज हेडफोन की होती है पहनने की फील, इसकी पहनने की जो फील है ना वो बड़ी आला, मतलब इसको अगर मैं ऐसे पहनूं ना, मुझे वाकई में अपनी आवाज दोबारा से आ रही है, जो कि बहुत। और ये जो माइक है ना इसका, ये जो चीज है ये कुछ ही, वो क्या होती है चीज जिसको पूरा फ्लेक्सिबल होता है, इसको ऐसे भाई बहुत आला है, इसको अपने मुंह से ऐसे रखूं मैं, ऐसे रखूं भाई, वेरी गुड हेडफोन, बहुत अच्छा मेरी तरफ से फर्स्ट व्यू जो है ना, ये हाईली रिकमेंडेड मैं इसको कहूंगा। आखिर बस इतना ही, अब फाइनली मैं अपने इस हेडफोन को अलविदा कह सकता हूँ। ये मेरा हेडफोन जो पता नहीं कितना टाइम हो चुका है मुझे ये हेडफोन, मुझे पता नहीं है, आई थिंक 3 साल हो चुके हैं मुझे ये हेडफोन यूज करते हुए, और मैं अभी भी आवाज सही आती है लेकिन दर्द होती है कानों में, तो मेन चीज दर्द है, और यहाँ पर मैं सर से पिचक जाता है यहाँ से। ओके आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, पसीने वसीने आ चुके हैं मुझे, देख लो यार। ओके आज के बस इतना ही, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आइए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और ये दराज का प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाए अगर आप इंटरेस्ट हैं तो जाए आप शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे, ये ले सकते हैं आप। और बस आज के इतना ही, आई होप आपको आज की पसंद आई होगी, आइए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ, अगर नहीं किया है ऐसी वीडियो जल्दी देखने के लिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।